आवाज एकदम क्लियर आ रही है आप लोगों को? जी सर, आ रही है। ये सर आ रही है। हाँ, तो लास्ट क्या पढ़ाया गया था लास्ट लेक्चर में, रिडॉक्स में कहाँ तक हुआ था? बताइए, कोई आदमी याद नहीं है? लास्ट टाइम मिक्स ऑक्साइड करा था। हाँ, यानी ऑक्सीडेशन नंबर सब कर लिया था। नहीं, चलिए, वेरी गुड, चलिए, वेरी गुड। टॉपिक डालिए ऑक्सीडेशन। देखिए ऑक्सीडेशन क्या होता है, ये तो आप सारे लोग डिफिनेशन पढ़ चुके हैं, लेकिन हम इस चैप्टर क्लास से पढ़ेंगे। जैसे पहली डिफिनेशन, सबसे इंपॉर्टेंट डिफिनेशन ये होती है, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। जहां ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ेगा वो ऑक्सीडेशन कहलाएगा। बाकी वो आप 9th-10th में पढ़ चुके हैं, वो क्या था कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, याद है ना सबको? रिडक्शन। और दूसरी मीनिंग ये भी याद रखना है, दो डिफिनेशन, दो ही डिफिनेशन मेन आपको काम देगा, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर और दूसरा है आपको लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। जहां इलेक्ट्रॉन लॉस होगा उसको भी हम ऑक्सीडेशन कहेंगे, ठीक है? उसके बाद आइए रिडक्शन। रिडक्शन की डिफिनेशन, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, उसके बाद है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये दो डिफिनेशन आपको पूरी केमिस्ट्री में 11th से लेकर 12th तक, बाकी जो 9th-10th में जानते हैं वो तो आपको आना ही चाहिए। ये दो डिफिनेशन आपको आना चाहिए, ऑक्सीडेशन नंबर एंड इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में। अब आइए इसी से रिलेटेड टर्म है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इसके में भी दो बातें याद रखना है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, द सब्सटेंस विच कैन ऑक्सीडाइज अदर, जो दूसरे को ऑक्सीडाइज करे, एंड रिड्यूस्ड इट्सेल्फ। लेकिन पहचानने के तरीके के लिहाज से भी आपको आना चाहिए, इस कॉल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इसलिए दूसरी डिफिनेशन भी आनी चाहिए, द सब्सटेंस विच हैज टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन, गेन इलेक्ट्रॉन, इस पर रिड्यूस लिखा हुआ देख लीजिए, इस कॉल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। समझ में, दोनों हर डेफिनेशन आना चाहिए आपको, बट आप पहचानने का तरीका भी सिखाएंगे। क्वेश्चन आता है, इस दफा भी, पिछले साल भी जी में, इस साल जनवरी वाले सेशन में भी जी मेंस में आया था, जब द फॉलोइंग आर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। बताइए आपको समझ में आ रहा है यहाँ तक? बोलिए किसी को कोई डाउट है? नो सर। हाँ, इसीलिए ऑक्सीडेशन नंबर पहले पढ़ा दिया गया। अब आपको नई डिफिनेशन याद रखना है, ऑक्सीडेशन के नाम से जहाँ ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ेगा वो ऑक्सीडेशन होगा, जहाँ ऑक्सीडेशन नंबर घटेगा वहाँ रिडक्शन होगा। बताइए क्या ये स्लाइड आपने लिख लिया? मैट्रिक्स समझ में आ रहा है? Yes, sir. खस फेल समझ में आ रहा है? खस फेल? Yes, sir. चलिए,
हाँ बताइए क्या आप सारे लोगों ने लिख लिया ये स्लाइड? ये से लिख लिया, ये से लिख लिया। गुड, अब आइए रिड्यूसिंग एजेंट। हम लिखना शुरू कीजिए। रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब द सब्सटेंस व्हिच कैन रिड्यूस अदर्स एंड इटसेल्फ एंड ऑक्सीडाइज इटसेल्फ। दूसरी डेफिनेशन इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में जो आपको ज्यादा काम देगा द सब्सटेंस विच हैज टेंडेंसी टू लॉस इलेक्ट्रॉन। यहाँ लिखा हुआ है ऑक्सीडाइज रिसीव लॉस इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रिड्यूसिंग एजेंट। हाँ ओके हर्षित, ये हर्षित स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यस थैंक यू सर। अब आइए मैं आपको ट्रिक समझाता हूँ इस पर क्वेश्चन रिड्यूसिंग एजेंट और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पर क्वेश्चंस पहचानने का तरीका। ये तो डिफिनेशन हो गया, पहचानने का क्या तरीका है वो मैं आपको बता रहा हूँ। क्या आप लोगों ने ये स्लाइड लिख लिया? कोई बोल ही नहीं रहे हैं क्या? नहीं लिखा? खसपेल मैट्री मानस लिख लिया सर। लिख लिया सर। हाँ अब आइए देखिए तीन बातें याद रखें और से सुने। Atom shows if central atom of the molecule shows maximum oxidation number, तो याद रखना always oxidizing agent। ये पहचानने का तरीका, दिमाग लगाओ। मैक्सिमम क्या, किसका क्या होता है, हम लोग पढ़ चुके हैं लास्ट सैटरडे संडे में। मैक्सिमम होगा तो वो हमेशा इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। खुद सोचो अगर सल्फर पर प्लस सिक्स है क्या ये इलेक्ट्रॉन लॉस कर सकता है? नहीं, इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा तो सिक्स से भी हायर होगा, इट इज इम्पॉसिबल। तो एस प्लस सिक्स हमेशा इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, गेन। और जब गेन करेगा तो उसको हम क्या कहेंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो पहचानने का तरीका, central atom shows maximum oxidation number, then it always oxidizing agent. Dusra, if central atom of the molecule shows minimum
सर हमें कैसे पता चलेगा, वो हम पढ़ा चुके हैं कि माइनस टू से प्लस ग्रुप 16 का, तो माइनस टू मिनिमम हुआ, ये होगा ऑलवेज रिड्यूसिंग एजेंट। आ रहा समझ में, हाँ या ना, जल्दी बताइए। आ रहा सर। हाँ, अगर सेंट्रल एटम ऑफ द मॉलिक्यूल शोज इंटरमीडिएट, यही है, और इस पर क्वेश्चन आते हैं स्टूडेंट को, इस पर में भी प्रॉब्लम रहता है कैसे पहचाने, तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी होगा एज वेल एज रिड्यूसिंग एजेंट भी होगा। जैसे मैं कुछ एग्जांपल कराता हूँ, बताइए इंटरमीडिएट का मतलब यही हुआ, जैसे नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन का माइनस थ्री से प्लस फाइव होता है, माइनस थ्री मिनिमम, मैक्सिमम प्लस फाइव, इसके बीच का कुछ भी होगा वो इंटरमीडिएट होगा। और याद रखो केमिस्ट्री कहता है, ये भी याद रखो, जहां इंटरमीडिएट होगा ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग एजेंट दोनों है होगा, तो तुम अभी पढ़ोगे या अभी रुको, अभी मैं एक चीज नहीं पढ़ाया हूँ, अभी रुको, चलो यहाँ तक लिख लिया, मैं एग्जाम्पल कुछ करा देता हूँ, उसके बाद मैं ट्रिक्स दूंगा। ये तीन पॉइंट सबको समझ में आया, खसपेल मानस सबको समझ में आ गया? यस सर आया। ओके, एग्जाम्पल फर्स्ट, जैसे आपको कहा जाए H2SO4 के बारे में बताओ क्या है, तो आप रफ में सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लें, x इज इक्वल टू 6 मैक्सिमम है, ये समझ जाओ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। आपको कोई कहे बताओ HNO3 क्या है, रफ में नाइट्रोजन का आप ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लें, x इज इक्वल टू 5 मैक्सिमम है, ये क्या, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अगर एग्जाम्पल थर्ड HNO2 कहे नाइट्रस एसिड x प्लस 1 माइनस 4 0 x इज इक्वल टू 3, ये इंटरमीडिएट है, तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी है रिड्यूसिंग एजेंट भी है। एग्जाम्पल फोर सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर का प्लस 4 है, इंटरमीडिएट है, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी है रिड्यूसिंग एजेंट भी है। आपसे पूछा जाए H2S सल्फर का यहाँ पर माइनस 2 है मिनिमम है, ये रिड्यूसिंग एजेंट है। आपसे पूछा जाए बताओ H3PO4 क्या है, फास्फोरस का ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस 5 आ रहा है, मैक्सिमम है, कहिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। आपके पास कोई कहे H3PO2 बताओ x प्लस 3 माइनस 4 x इज इक्वल टू 1, ये क्या होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रिड्यूसिंग एजेंट। अरे बोलिए ना, आ रहा है कुछ समझ में आप लोगों को? यस सर। KMnO4 के बारे में पूछा जाए, मैग्नीज का निकाल लो, जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट फिक्स नहीं है उसको देखो, ये तो बहुत ऑर्गेनिक में तो बहुत दफा आएगा, ये ऑर्गेनिक में बहुत जबरदस्त है, ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग, अब पहचानने आ गया, कुछ भी दे देगा पहचान लोगे, हाँ या ना, जल्दी बोलो। यस सर। यस सर। क्रोमियम का 6 है ऑलवेज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। चलो ये स्लाइड लिख लिया था यश वगैरह सब लोगों ने, ये लिख लिया था? यस सर लिख लिया। चलो ये बनाइए, जल्दी लिखिए। हाँ बोलिए, क्या आप लोगों ने लिख लिया ये स्लाइड?
हस्पेल तुम कुछ बोल नहीं रहे हो, आ रहा समझ में हस्पेल? यस सर। चलिए आगे बढ़े। यस सर। ये लिखिए, डन सर। थैंक यू। CrO3 के बारे में बताओ, क्या है नेचर, सब लोग लिख के बताओ। मैट्री बताइए, क्रोमिक क्रोमियम ऑक्साइड बताइए, ऑक्सीडाइजिंग की रिड्यूसिंग। मैट्री हेलो। यस हाँ बताइए सर। 6 आ रहा है। सिर्फ क्रोमियम का मैक्सिमम कितना होता है सर? सर +1 से लेकर +6 मैक्सिमम है, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया। ओके यस सर। ये मालूम होना चाहिए। एक ऑब्जेक्टिव कीजिए फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। चारों में कौन ऐसा है जो ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग दोनों की तरह नहीं है? यहाँ पर सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है सारे लोग बताओ तो, अनम्यूट करके बोलिए। 6 4 4 4 सर। हाँ 4 इंटरमीडिएट है, ऑक्सीडाइजिंग भी है रिड्यूसिंग भी है। यहाँ बताओ फास्फोरस का 5 5 5, ये ऑलवेज ऑक्सीडाइजिंग है। आंसर बी इज करेक्ट। नाइट्रोजन +3 है, ऑक्सीडाइजिंग भी है रिड्यूसिंग भी है। यहाँ पर परऑक्साइड है तो ऑक्सीजन का -1 है, ऑक्सीडाइजिंग भी रिड्यूसिंग। क्यों? ऑक्सीजन का +1 भी होता है, +2 भी होता है, -1 भी होता है, -2 भी होता है। -1 इंटरमीडिएट है, ये है। और पढ़िएगा भी हाइड्रोजन चैप्टर में, ये ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग दोनों होता है। बोलिए आया समझ में? विच आंसर इज करेक्ट? अरे
अरे बोलिए ना, आया सबको समझ में? हाँ या ना? आया सर। हाँ, यश, हर्षित, क्लियर है? मैट्री? यस सर। मनु? यस सर, क्लियर। यस सर। हाँ, इसीलिए आपको, हाँ ये तभी होगा जब आपको मालूम हो कि किस एलिमेंट का मिनिमम मैक्सिमम कितना है, ये सब पढ़ाया जा चुका है। चलिए आगे बढ़ते। अब आइए डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। देखिए आपको मालूम है रिडॉक्स रिएक्शन का मतलब होता है जहां ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों हो। ये एक ऐसा रिडॉक्स है स्पेशल टाइप का जहां एक ही एटम का ऑक्सीडेशन होगा उसी का रिडक्शन होगा। रिडॉक्स बहुत सारे होते हैं। एक होता है इंटरमोलेकुलर। इंटरमोलेकुलर का मतलब हुआ कि भाई दो एटम होगा, एक एटम एक अलग मॉलिक्यूल से है, एक एटम अलग है, तो एक का ऑक्सीडेशन दूसरे का रिडक्शन। डिस्प्रोपोर्शनेशन का मतलब हुआ कि ये भी रिडॉक्स तो है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन होगा, लेकिन एक ही एटम का ऑक्सीडेशन और उसी का रिडक्शन होगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस सर। यस सर। हाँ, तो नीचे लिखिए द स्पेशल टाइप ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन, स्पेशल टाइप ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन इन विच वन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एन एलिमेंट is simultaneously oxidized and reduced. It's called disproportionation reaction. सर, हाँ बोलिए। खसपेन, तो मतलब इसमें उसी एटम का बाद में ऑक्सीडेशन स्टेट वही होगा जो पहले था? नहीं नहीं, अभी एग्जांपल देते हैं, रुकिए आपको और अच्छे से आ जाएगा, एक मिनट अभी बताता हूँ मैं आपको। तो रिडॉक्स का मतलब हुआ ऑक्सीडेशन रिडक्शन, तो मैं सारे तरह का एग्जांपल दे देता हूँ, अभी रुक जाइए। अ स्पेशल टाइप ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन इन विच वन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एन एटम इज साइमल्टेनियसली ऑक्सीडाइज एंड रिड्यूस इज कॉल्ड डिस्प्रोपोर्शनेशन। और एक ट्रिक्स याद रखो, जहां पर भी सुनो जो मैंने अभी यहाँ जो मैंने कहा, अगर तुम्हारे पास वहां जगह खाली है तो लिख सकते हो। वैकेंट स्पेस है इस वाले में, इंटरमीडिएट में सेंट्रल एटम शोज इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन, क्या वहां कोई एक लाइन खाली है आपके पास? हाँ, तो जहां इंटरमीडिएट होगा तो याद रखो अंडर गोज, देखो दोनों है अंडर गोज, ये ट्रिक्स याद रखो। हायर होगा डिस्प्रोपोर्शनेशन नहीं होगा, या तो केवल ये होगा एक ही रिएक्शन होगा। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब यहाँ रिडक्शन होगा, रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब यहाँ ऑक्सीडेशन होगा। जहां दोनों होगा तो डिस्प्रोपोर्शनेशन का ट्रिक्स याद रखो। इस पर भी एक क्वेश्चन मैं अभी कराऊंगा, डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। बताओ डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन कौन शो करेगा, जिसमें कोई भी एटम कौन सा ऑक्सीडेशन स्टेट शो करे, मैक्सिमम कि मिनिमम कि इंटरमीडिएट? इंटरमीडिएट। बस याद रखिए यही तरीका, याद रखिए जहां भी मैक्सिमम या मिनिमम होगा तो केवल वहां एक ही रिएक्शन हो सकती है, या तो ऑक्सीडेशन हो सकता है या रिडक्शन। इंटरमीडिएट में दोनों है ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों होगा, तो वही डिस्प्रोपोर्शनेशन होगा। बताइए आगे बढ़े, ये लिख लिया आपने? यस सर, यही पहचान है। अब आइए
जैसे बहुत सारे एग्जांपल हैं, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, सारे लोग ध्यान दीजिए। एक बेसिकली Cu प्लस वन है आपके पास, देखिए Cu प्लस टू है और Cu है। आप ध्यान दीजिए, Cu प्लस वन से Cu प्लस वन, बताओ ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है कि घट रहा है, जल्दी बोलो। ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है कि घट रहा है, बोलो ना। तो यहाँ प्लस, हाँ तो यहाँ ऑक्सीडेशन हो रहा है और यहाँ कॉपर का ऑक्सीडेशन नंबर जीरो है, तो प्लस वन से जीरो घट रहा है, रिडक्शन। एक Cu प्लस वन ही का ऑक्सीडेशन हो रहा है Cu प्लस वन का ही, तो ये डिस्प्रोपोर्शनेशन हो गया। एक ही एटम का ऑक्सीडेशन उसी का रिडक्शन, बोलिए आया समझ में? Yes. Yes, हाँ, बहुत सारे एग्जांपल हैं। एक मिनट, आपको H3PO3 है, देखो इधर, मान लो ये रिएक्शन करके H3PO4 बनाया और PH3 बनाया, तो देखो कैसे चेक करोगे। पहला काम, आप ऑक्सीडेशन रिडक्शन का पहचान ही है ऑक्सीडेशन नंबर, यहाँ प्लस थ्री आता है, यहाँ प्लस फाइव आता है या माइनस थ्री। तो देखो प्लस थ्री से फास्फोरस का देखो प्लस फाइव ऑक्सीडेशन, प्लस थ्री से माइनस थ्री रिडक्शन, बताओ डिस्प्रोपोर्शनेशन हुआ कि नहीं? एक ही एटम का ऑक्सीडेशन उसी का रिडक्शन, बोलो बोलो आया समझ में? यस सर। हाँ, बहुत ए लॉट ऑफ एग्जांपल हियर। आपको कोई भी पूछे P4 है, तो देखो इंटरमीडिएट है ये, P4 है, PH3 बनाया, प्लस H2PO2 माइनस बनाया, तो यहाँ P4 का ऑक्सीडेशन नंबर जीरो, यहाँ माइनस थ्री और X प्लस टू माइनस फोर माइनस वन, एक्स सेकंड टू वन। देखिए जीरो से माइनस थ्री घट रहा है, रिडक्शन, इससे दो दो चीज हो रही है। मैं आपको ये भी पहचानना सिखा रहा हूं कि ये ऑक्सीडेशन, एक ही एटम का ऑक्सीडेशन उसी का रिडक्शन, डिस्प्रोपोर्शनेशन। चलिए एग्जांपल लिख लिया था आप लोगों ने, हाँ अब बताओ खसपेल, तुम क्या पूछ रहे थे, डाउट पूछो अब। नहीं सर, अब क्लियर हो गया। हाँ गुड, थैंक यू। लिख लिया आप लोगों ने? आप लोग नहीं बोलते, मैं बोलता रहता हूँ, आप लोग कुछ भी नहीं बोलते। Yes, sir. Yes, sir. हाँ, हाँ, ये लिखिए। नाराज हैं क्या आप लोग मुझसे? नहीं सर। चलिए इसको लिखिए। Done, sir. हाँ, एक आध दफा इस तरह बोल दिया कीजिए तो हमको लग जाएगा। चलिए थैंक यू। तो डिस्प्रोपोर्शन, अब मैं एक रिएक्शन देता हूँ, आपको पहचानना है। हर्षित, मेरी आवाज आ रही है आपके कानों तक? यस सर। गुड, लिख लिया आप लोगों ने, सब लोगों ने ये? यस सर, लिख लिया। यस सर। हाँ चलिए, अब आइए, अब आप लोग बताइएगा कि ये पहली बात रिडॉक्स है कि नहीं, और रिडॉक्स है तो सिंपल रिडॉक्स है कि डिस्प्रोपोर्शनेशन, आपको चेक करना है। बस ये क्वेश्चन कर रहा हूं, बस चलो ये रिएक्शन को चेक करके बताओ। एक ये रिएक्शन है और एक ये रिएक्शन, पहले बताना रिडॉक्स है, पहली बात चेक कर लो रिडॉक्स है कि नहीं। रिडॉक्स है तो सिंपल रिडॉक्स है या डिस्प्रोपोर्शन है, ये दो क्वेश्चन है, आप लोग करें, दो मिनट का टाइम है आपके पास, आराम से करें। एक एक का ऑक्सीडेशन नंबर रिएक्टेंट प्रोडक्ट में निकाल लें।
हमेशा। हाँ बताइए, ये बताओ क्या ये रिडॉक्स है? यस सर। हाँ चलिए इसका आंसर आ गया। हाँ चलिए ठीक है, प्लस 7 है, यहाँ प्लस 3 होगा, हाँ, और यहाँ प्लस 2 है, यहाँ प्लस 5 है। तो यहाँ देखिए इसका तो ऑक्स, यहाँ सिंपल अलग अलग एटम है तो ये सिंपल रिडॉक्स है, और इस रिडॉक्स को कहते हैं इंटर मॉलिकुलर, दो अलग, जैसे आपने पढ़ा था ना इंटर मॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड, दो मॉलिकुल होना चाहिए, याद है आपको? हाँ या ना? यस सर याद है। तो भाई ये इंटर मॉलिकुलर है, ये अब हर जगह यही रहेगा, जहां पर भी इंटर मॉलिकुलर है समझिए दो मॉलिकुल, दो मॉलिकुल दो एटम, अलग अलग एटम, इंटर मॉलिकुलर रिडॉक्स, दो एटम है, दोनों अलग अलग मॉलिकुल को बिलोंग्स करेगा। और यहाँ क्या है, ये डिस्प्रोपोर्शनेशन है कि नहीं, बोलिए यही आया है? यस सर। हाँ ये मैं इसलिए करा दिया कि पहचानने भी आना चाहिए, जीरो से माइनस वन रिडक्शन हो रहा है और जीरो से प्लस वन ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो ये डिस्प्रोपोर्शनेशन है। एनी प्रॉब्लम? हर्षित एंड मैट्री, यश समझ आ गया? बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। चलिए एक ऑब्जेक्टिव है जो मैं आपको करा रहा हूं, आगे बढ़ते हैं। सब में आप ट्रिक्स क्या है डिस्प्रोपोर्शनेशन का शो करने का, यही ट्रिक जो मैंने आपको लिखाया था, इंटरमीडिएट सबका निकालो, चारों में देखो कौन किस में इंटरमीडिएट है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? हाँ बताइए, एक का एक स्टूडेंट का आंसर आ गया कस्पिल का, बाकी स्टूडेंट आंसर दें किसका डिस्प्रोपोर्शनेशन नहीं होगा, या तो वो मैक्सिमम हो या मिनिमम हो, इंटरमीडिएट होगा तो वो डिस्प्रोपोर्शनेशन होगा, दिस इज द तरीका। मानस एकदम गलत, मानस एकदम गलत, यहाँ सब का निकालो, यहाँ माइनस वन एक्स टू सेवन क्लोरीन का मैक्सिमम है, डी ऑप्शन इज करेक्ट। यहाँ देखो 5, आपको नहीं मालूम है क्लोरीन का माइनस वन से लेकर प्लस 7 तक होता है, यहाँ एक्स माइनस टू माइनस वन एक्स टू वन इंटरमीडिएट है, ये सब माइनस वन सब इंटरमीडिएट है, सब सब डिस्प्रोपोर्शनेशन होगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? बोलिए हाँ या ना? यस सर, मेरा आंसर आ गया। हाँ मैक्सिमम जो करे, इसलिए वो जो तरीका सिखाया ना आपको, कोई रटने की जरूरत नहीं, इंटरमीडिएट रहेगा। और ये एनसीईआरटी के इंटेक्स का क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग, आप स्कूल के एग्जाम में पूछ देगा एंड वाई, वो पूछ देगा एंड वाई, तो आप यही लिखिएगा बिकॉज सेंट्रल एटम शोज मैक्सिमम इट कैन टेंडेंसी, मैं लिख देता हूँ रीजन, सी एल फोर माइनस लिख लीजिए,
डज नॉट अंडरगो कि आप स्कूल में अगर रीजन पूछे तो क्या लिखेंगे, डज नॉट अंडरगो डिस्प्रोपोर्शनेशन। मैं इसलिए लिखा देता हूं कि आपको सेल्फ स्टडी में आसानी, डिस्प्रोपोर्शनेशन बिकॉज क्लोरीन शोज मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस वन due to which it can accept electron only, ये सिर्फ electron accept कर सकता है, only जब accept करेगा तो reaction का नाम हो जाएगा reduction और substance का नाम हो जाएगा oxidizing agent। बताइए सबको reason भी समझ में आया, हाँ या ना? It can accept electron only. Only, yes, sir. Only लिखना जरूरी है, only। अरे यश तुम्हारा दोनों आंसर ए एंड डी कैसे हो जाएगा? Which does not undergo, ये पूछ रहा है ना, जो शो नहीं करेगा। यश आया समझ में? यश yes, sir, आ गया। हाँ चलिए ये स्लाइड लिख लिया था आप लोगों ने, हाँ या ना जल्दी बताइए। हाँ सर। गुड, अगर स्कूल के एग्जाम में रीजन पूछे तो आप ये बताएंगे। चलिए अब आइए बैलेंसिंग में, अब आपको सिखा रहा हूं मैं। हाँ बैलेंसिंग दो दो क्वेश्चन मैं कराऊंगा, फिर मैं स्कूल के एग्जाम में तो आपको पूरा मेथड से करना है, कॉम्पिटिशन में आपके पास इतना टाइम नहीं रहेगा कि आप पूरे एग्जाम लॉन्ग मेथड से करेंगे, तो शॉर्टकट भी मैं सिखा दूंगा, पहले लॉन्ग कट मेथड। क्या आप लोगों ने लिख लिया जल्दी बताइए। यस सर। एक मिनट सर। हाँ लिखिए लिखिए आराम से, कोई बात नहीं है। हर्षित मैट्री आपको समझ में आ रहा है? यस सर आ रहा है। थैंक यू हर्षित। मेरी आवाज नहीं आ रही आपको? नहीं समझ में आ रहा हर्षित? सर आ रहा है समझ सर। गुड गुड, चलिए आगे बढ़ते हैं। बताइए लिख लिया मानस जोशी? डन सर। थैंक यू। अब आइए क्या कि अगर आपको टॉपिक डालिए बैलेंसिंग ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन, इसमें से क्वेश्चन आते ही हैं, हर तरह के एग्जाम में आते हैं। एक आपके पास है ऑक्सीडेशन नंबर मेथड, कॉम्पिटिशन में कोई मेथड नहीं, बस आपको शॉर्टकट आना चाहिए। एक है स्कूल में, इसको अलग अलग मेथड से बताते हैं आपको, स्कूल में पूरा मेथड से करना है। और एक है हाफ रिएक्शन मेथड, इसका दूसरा नाम है आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। बताइए लिख लिया आप लोगों ने? लिख लिया? यस सर। आपने सर आपने हाफ रिएक्शन मेथड के बाद दूसरा मेथड कौन सा लिखा है? उसी को कहते हैं आयन इलेक्ट्रॉन मेथड, उसी को कहते हैं आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। ओके साइंटिस्ट? यस सर। थैंक यू। आप सुनिए टॉपिक डालिएगा ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। पहले एक एग्जांपल लिखिए,
मैं पूरा डिटेल में बताऊंगा, घबराइएगा नहीं, मैं पूरा शॉर्टकट सब समझा दूंगा। और एक एग्जांपल सारे लोग लिखना शुरू कीजिए, सल्फ्यूरिक माइनस Cr plus 3 and SO4 2 minus, एसिडिक मीडियम में बैलेंस करना, वो लिखा रहेगा। ये रिएक्शन लिख लिया आपने? यस सर। देखिए मैं स्टेप वाइज लिखूंगा और सोचना, हर स्टेप में आप मैं लिखूंगा फिर आपसे पूछूंगा डाउट। पहला काम ये करिएगा जब भी, और एग्जाम में स्कूल के एग्जाम में लिख लिख कर ही करना है, असाइन द, लिखना शुरू कीजिए आप लोग ऑक्सीडेशन नंबर, सारे लोग लिखना शुरू कीजिए ऑफ ईच एटम। सबसे पहले सबका ऑक्सीडेशन नंबर आपको लिखना है। मतलब चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर, आपको ये बताना है कि किसका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हुआ है। ये तो क्वेश्चन हो गया। अगेन मैं नीचे लिखता हूँ Cr2O7 माइनस, ये सब तो आप सीख ही चुके हैं, 6 है और है यहाँ प्लस 3 है, x माइनस 8 माइनस 2 है, x इज इक्वल टू, देखिए आप बता सकते हैं इसमें किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। सल्फर का, हाँ वेरी गुड, क्रोमियम का रिडक्शन, और बस ये पता चल गया। पहले स्टेप में किसी को डाउट है, सच सच बोलिए। पहले में किसी को कोई डाउट तो नहीं होगा आपको, उनको नो सर। चलिए लिख लिया आप लोगों ने? यस सर लिख लिया। सारे लोग लिखना शुरू कीजिए आप लोग। कैलकुलेट द इंक्रीज एंड डिक्रीज बाद इंक्रीज एंड डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर आपको निकालना है पर एट। क्यों निकालना है? इक्वल करने के लिए, मेक देम इक्वल। यही स्टेप आपको अच्छे से समझना है बस, तो फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। Cr2O7 2 माइनस है, प्लस SO3 2 माइनस है। पहले बताइए ये लाइन लिख लिया है तो फिर मैं समझाऊंगा, बोलिए। यस सर लिख लिया। अब सुनिए, इसको करने का तरीका, लॉन्ग मेथड को भी करने का तरीका है, मैं आपको ऐसा बता देता हूं कि कभी गलती ही नहीं होगी।
याद कीजिए सारे लोग, 5 मिनट इधर वक्त दीजिए आप लोग, सारे लोग सुनिए। नॉर्मेलिटी मैंने पढ़ाया था ना आपको पहले चैप्टर में, नॉर्मेलिटी इन्फेक्टर। यस सर। तो आप देखिए इन्फेक्टर का आप इससे क्या होगा, दो दो चीज आपको क्लियर हो जाएगी। हम लोगों ने जो पढ़ा था इन्फेक्टर एसिड का जो एच प्लस के बराबर होता है बेस का OH सॉल्ट का चार्ज, अब सुनिए लिखिएगा ना, इन्फेक्टर ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, लिखना नहीं है तो n फैक्टर होता है इसका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है गेन करता है, लिखिएगा नहीं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन बाय पर मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल ने जितना इलेक्ट्रॉन गेन किया वही उसका n फैक्टर होता है। उसी तरह n फैक्टर सर यहाँ पर क्या काम है, आपको काम होगा, बहुत जबरदस्त ट्रिक सही है, मैं आपको समझाता हूँ। इस कंपटीशन में एन फैक्टर ही काम है शॉर्टकट के लिए, एन फैक्टर रिड्यूसिंग एजेंट का नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट, रिड्यूसिंग का मतलब लॉस करना, बाय पर मॉलिक्यूल। अब सुनो अच्छे से, ये तो डिफिनेशन हो गई, तुम्हें अगर एन फैक्टर निकालना चाहे ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग कुछ भी, ये शॉर्टकट फॉर्मूला याद रखो, चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर इनटू नंबर ऑफ एटम। बोलो सारे लोग, क्या बोला मैंने, चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर इनटू नंबर ऑफ एटम। हाँ तो इसलिए देखो हम देखो ये शॉर्टकट के बाद देखो क्या लिखा हुआ पर एटम, इसलिए मैंने आपको फॉर्मूला ही बना के दे दिया कि कभी गलती ही नहीं होगी। अगर इसको नहीं बनाए दिमाग में रखेंगे तो स्टूडेंट पर एटम को भूल जाता है, डायरेक्ट 6 से 3 चेंज निकाल लेता है, उसको ये नहीं देखता उसमें कितने एटम है। तो आपको स्कूल लेवल पर भी करना है तो स्ट्रिक्स का इस्तेमाल करना है, और से सुनिए लिखिएगा नहीं, यहाँ प्लस 6 था ध्यान दीजिएगा, और यहाँ प्लस 3 था, और यहाँ प्लस 4 था, और यहाँ प्लस 6 था, यही था हाँ या ना? यस सर। यस सर। हाँ आप देखिए लिखिएगा नहीं, आपको वही कहा जा रहा है कैलकुलेट द इंक्रीज, 6 से 3 कितना चेंज, 3 लेकिन नंबर ऑफ एटम कितना इसमें क्रोमियम 2, 3 × 2 = 6, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस सर। यस सर। इसीलिए अब स्टूडेंट इसलिए फॉर्मूला ही मैंने आपको बना दिया, वरना स्टूडेंट क्या करते हैं 6 से 3 3, अब उनको गलती होती रहती है, कुछ सही होता है कुछ गलत होता है, कुछ सही होता है कुछ गलत होता है। तो आपको ऐसा चीज लेना है कि चाहे स्कूल लेवल हो कॉम्पिटिशन लेवल हो कुछ भी लेवल हो आपसे गलती के चांसेस कम हो। तो ये जो बुक लिखता है हर बुक में कि कैलकुलेट द इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर पर एटम, तो अब स्टूडेंट पर एटम बस वो बुकिश वर्ड को लिख देता है लेकिन क्वेश्चन नहीं समझ में आता, तो 6 से 3 3 नंबर ऑफ एटम 2, तो याद रखने का तरीका अभी लिखिएगा नहीं, तो यहाँ पर आपको हो गया स्कूल के एग्जाम में लिखिएगा इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर पर एटम जो हो गया वो हो गया 6। अब बताइए 4 से 6 कितना चेंज, ये डिक्रीज हो गया ना, अच्छा चलिए सॉरी मैं यहाँ पर लिख देता हूँ डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर पर एटम वो हो गया 6। अब बताइए 4 से 6 कितना चेंज, 2 2 नंबर ऑफ एटम कितना, 1 तो 2 × 1 1 हम इस तरह माइंड में लेके चलेंगे 2 × 1 1 आया सबको समझ में? यस सर। अब आपको क्या करना है, मैं आपको जो सिखाना चाह रहा हूँ ये शॉर्टकट याद रखिए, I2S मेथड, इसकी टोपी उसके सर, ये फॉर्मूला याद रखिए, इसकी टोपी उसके सर, इसकी टोपी I2S मेथड, इसकी टोपी बोलिए ना, इसकी टोपी उसके सर। हाँ बस अब देखिए ये जो डिक्रीज हुआ ना आपको यही करना है, डिक्रीज कितना आया 6, यहाँ पर 6 आ गया डिक्रीज, और इंक्रीज कितना आया 2,
अच्छा फिर देख लीजिएगा क्या इस दोनों में कॉमन हो रहा है, हाँ या ना? यस सर। यस सर। हाँ तो यहीं पर, हाँ यहीं पर कॉमन निकाले, मैं दोबारा लिख दूंगा आपको, घबराइएगा नहीं। मैं आपको अच्छे से स्कूल में कैसे करना, तो इधर थ्री इधर वन, तो बस इसकी टोपी उसके सर कर दीजिए, मतलब ये कर दीजिए, इसको वन से मल्टीप्लाइड और इसको थ्री से मल्टीप्लाइड, तो यही हो गया यहाँ वन और इसको थ्री। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, हाँ या ना? जल्दी बताइए। आप देखिए इसको देखकर इधर बैलेंस करना है, तो और ऑक्सीजन हाइड्रोजन को नहीं देखना है, यही शॉर्टकट भी रहेगा, मैं शॉर्टकट बाद में बताऊंगा, लेकिन स्कूल लेवल पर भी इसी तरह करना है। दो क्रोमियम दो से मल्टीप्लाई, थ्री सल्फर थ्री से मल्टीप्लाई, ऑक्सीजन वगैरह बैलेंस है इसको अभी नहीं देखना है, क्योंकि स्कूल में स्टेप वाइज करना होता है स्कूल के एग्जाम में, तो आपको बस ऑक्सीजन और हाइड्रोजन वगैरह को नहीं देखना है, ऑक्सीजन हाइड्रोजन के अलावा अदर एटम को बैलेंस करना है। तो स्टूडेंट ये तो बेचारा पढ़ लेता है, उसको ये समझ में नहीं आता कैसे चेंज करना है, तो ये आप मेरा शॉर्टकट याद रखिए, चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर इनटू नंबर ऑफ एटम और आई टू एस मेथड, इसकी टोपी उसके साथ, और स्कूल के एग्जामिनर को यहां पर दिखाना है डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर पर एटम। आपके पास हो गया थ्री इंटू टू, मैं पूरा करके भी बता दिया आपको, और इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर पर एटम, ये आपके पास कितना टू इंटू वन टू, अब कॉमन फैक्टर फिर आप लिख दीजिएगा थ्री और यहाँ पर वन। ओके अब आया समझ में, हाँ या ना? जल्दी बोलिए। यस सर। तो अब आपसे कोई कभी गलती ही नहीं होगी बैलेंसिंग में। ये सेकंड स्टेप में किसी को अभी भी डाउट है तो पूछ लीजिए। सर आपने ये आरएचएस कैसे बैलेंस किया? जोर से बोलिए। सर ये आरएचएस को आपने वैसे मतलब खुद से बैलेंस किया या फिर? नहीं नहीं, दो क्रोमियम थ्री सल्फर थ्री सल्फर, मतलब खुद किया ना, वैसे कोई शॉर्टकट नहीं लगाया ना? नहीं, इसमें क्या देखा है आपने, मल्टीप्लाई जब कर दिया तो इधर देख के इधर कर लीजिए, दो क्रोमियम ऑक्सीजन हाइड्रोजन को नहीं देखना है, उसके अलावा जो एटम हो हाइड्रोजन ऑक्सीजन को छोड़कर, दो क्रोमियम दो से मल्टीप्लाई, जो होगा उसी तरह तो करेंगे, थ्री सल्फर। ओके यस सर, हो गया। ये सेकंड स्टेप सबको अच्छे से आया समझ में? सर और कोई लैंग्वेज लिखेंगे आप? नहीं नहीं, यही लैंग्वेज लिखेंगे ना, स्टेप सेकंड ऊपर लिख दिया ना मैंने, अर्षित तुम नहीं देख रहे हो, ये लिखेंगे और ये लिखेंगे, ये जो है नीचे। yes. हाँ मैं इसलिए पूरा स्कूल लेवल सब लिखवा देता हूँ कि आपको क्या लिखना है, कि आपको परेशानी ना हो। वही तो लिखा हुआ है, मेक देम इक्वल, तो भाई इक्वल करना है मल्टीप्लाइड करके। चलिए आगे बढ़े और फॉर्मूला याद बताइए सारे लोग मिलके, n फैक्टर इज इक्वल टू, रिडॉक्स में n फैक्टर क्या होता है, चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर इनटू नंबर ऑफ एटम्स। हाँ पूरा बोलिएगा तब ना सही होगा। हाँ पूरा, हाँ पूरा बोलिएगा तब, वरना फिर बाद में गलती हो जाएगी तो कहेगा ओ शिट भूल गए थे ये पूरी चीज, इसलिए उसको नंबर ऑफ एटम से मल्टीप्लाई करना। हाँ बोलिए कस्पर। ये यही तो ओवर है, इसके बाद और अभी और होगा ना, अभी स्टेप वाइज करेंगे ना, अभी रुकिए ना, अगर ऑब्जेक्टिव करना होता तो मैं यहीं पर कर देता, अभी तो रुकिए, अभी पूरा डिटेल वाला समझिए फिर शॉर्टकट समझेंगे। ओके यस सर। हाँ स्कूल के में क्या क्या लिखना वो तो पूरा उसी लिहाज से ना समझेंगे आप, वरना मैं अपना टाइम बचाना होता तो मैं तो एक मिनट में कर देता आपको, एक ही लाइन में आंसर आएगा। आपकी स्कूल के लिहाज से पहले पढ़ा रहा हूँ फिर उसका शॉर्टकट बताऊंगा। लिख लिया सारे लोग, हाँ या ना? यस सर, लिख लिया। लिख लिया सर। अच्छा ये आप साइड में कहीं पर लिख लीजिए इसको, ये अभी रुक जाइए, अभी रुक जाइए, अभी रुक जाइए, अभी रुकिए, इसको बाद में जब पूरा खत्म कर लेंगे ना ये स्टेप तब लिखेंगे, ना तो बीच में गड़बड़ा जाएगा आपका। चलिए आप स्टेप थर्ड लिखे, उसको बाद में लिख लेंगे। अब सुनिए किस मीडियम में बैलेंस करना है, एसिडिक। तो याद रखिए टू एसिडिक में, तो अब स्टेप थर्ड में चार्ज को बैलेंस करना है,
अब सुनिए यहाँ पर स्टेप जो थर्ड है उसको समझिए। चार्ज को बैलेंस करने का तरीका है H प्लस एंड OH माइनस। एसिडिक मीडियम होगा तो H प्लस, बेसिक मीडियम होगा तो OH। इसलिए दो तीन क्वेश्चन कर लेंगे, अभी एसिडिक का एक बेसिक का भी कर लेंगे, समझा। आप देखिए नेक्स्ट लिखिए, टू बैलेंस द चार्ज by the addition of H plus, basic होता तो OH लिखते। तो देखिए आपके पास है Cr2O7 2 minus, स्कूल में पूरा इसी तरह करेंगे, 3SO3 2 minus, और सुनिए अच्छे से, 2Cr plus 3 है और 3। अब सुनिए एक मिनट टाइम दीजिए यहाँ सारे लोग, सुनिए इधर अच्छे से। चार्ज ये तो है लेकिन स्टूडेंट इसमें भी गलती कर देता है, तो उससे अच्छा है कि शॉर्टकट तरीका याद रखिए। मैं पहले डिटेल बता देता हूं, सुनिए आप अच्छे से। इधर चार्ज कितना है, ऊपर माइनस टू है, इधर कितने चार्ज हैं जल्दी बोलिए, माइनस सिक्स, थ्री इंटू टू माइनस एट, और यहां है मैं लिख के कर रहा हूं सिक्स और माइनस सिक्स जीरो। अब माइनस एट को जीरो के बराबर लाना है तो हमें प्लस एट ऐड करेंगे ना, माइनस एट में प्लस एट करोगे तभी तो जीरो आएगा। यस सर, यस सर। आपको एच प्लस ऐड करना है तो इसका मतलब कि लेफ्ट साइड में आपको एट एच प्लस करना है। इसमें कभी भी अगर आपको प्रॉब्लम हो तो मैं आपको आसान तरीका बता रहा हूं, अगर आपको चार्ज में भी प्रॉब्लम हो तो उसका आसान तरीका है। तुम क्या करोगे, देखो ऑक्सीजन कितने इधर जल्दी बताओ, सेवन। इधर कितने ऑक्सीजन, जबकि ये स्टेप बाद में आएगा लेकिन अभी नाइन, आपको कंफर्मेशन के लिए कि आपको स्कूल के एग्जाम में एच प्लस का सही से नाइन है तो सेवन नाइन सिक्सटीन हो गया। यहाँ बताओ कितने ऑक्सीजन है, 12। मैट्री समझ रही है, यस सर। आपको मैं नेक्स्ट स्टेप में सिखाऊंगा ऑक्सीजन की कितनी कितने का डिफरेंस हुआ ऑक्सीजन का, बताओ, फोर। तो ऑक्सीजन को बैलेंस करना है तो वाटर ऐड करेंगे, तो बताओ कितने वाटर इधर ऐड करेंगे, बताओ, चार। यस सर, बोलो ना, यस सर, चार वाटर ऐड करोगे तो तुम हाइड्रोजन को देख लो, 4 × 2 = 8, उतने हाइड्रोजन ऐड कर दोगे, 8H+। आया समझ में, यस सर, यस सर। हाँ, चार्ज में अगर कभी दिक्कत हो, एक तो तरीका यही है, एक तो ये तुमको खुद समझ में आ गया होगा। एक मिनट रुक जाओ, एक स्टेप करके फिर हम आगे बढ़ते हैं, रुको। स्टेप थर्ड में ये है, स्टेप फोर्थ में, कि टू बैलेंस द ऑक्सीजन, टू बैलेंस द ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, जो भी कहें, टू बैलेंस द हाइड्रोजन भी बोल सकते हैं या ऑक्सीजन By the addition of water, जब भी ये last step है, by the addition of water, मैं दोबारा समझी समझा दूंगा। तो देखिए Cr2O7 2 - 3SO3 2 - 8H+ है, 2Cr+3 है, 3SO4 2 - 8, तो आठ हाइड्रोजन है तो इस साइड में चार वाटर ऐड कर दीजिए, अब ये पूरी तरह बैलेंस हो गया। आया समझ में, दिखाने की जरूरत नहीं है, इसको ब्रैकेट में लिख लीजिए, ये मैं आपको समझाने के लिए लिख दिया। हर्षित कोई डाउट तो नहीं है, सर, थर्ड स्टेप में एक बार RHS का चार्ज बता दीजिए। हाँ चलिए ठीक है, हाँ मैं ये कहा, देखिए 2 × 3 है तो मानक जोशी +6 आ गया, yes, sir। हाँ, और 3 × -2 - 6 तो 6 - 6 0 हो गया, yes, sir। आगे सर, हाँ तो बस वही है, इधर 0 इधर -8 है तो 0 के बराबर लाना, +8 कर दीजिए, ठीक है। हाँ, अगर OH माइनस होता तो राइट साइड में 1 OH- लिख दे। चार्ज को बैलेंस करना है कि बराबर आ जाए चार्ज, या तो H प्लस या OH माइनस।
बोलिए। आपने वो ITUS के लिए बताएंगे ना, अभी बताएंगे बताएंगे, अभी इसको पढ़ लीजिए, वो शॉर्टकट अभी बताएंगे। वही पूछ रहे हैं ITUS मेथड? नहीं सर। हाँ बोलिए। वो आपने डिक्रीज और इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर पर एटम लिखा था ना, और उनमें कॉमन निकालना था ना। जी जी जी। वो हर इक्वेशन में कॉमन होगा सर? नहीं कोई जरूरी नहीं होगा तो नहीं करेंगे। हाँ जैसे आपको 2-3 आ गया, नहीं है अब 2, हाँ है ना 2-3 कॉमन जब रहेगा तो करना है, वरना वो गलत हो जाएगा। बैलेंसिंग का मतलब होता है स्मॉलेस्ट इंटीजर एज पॉसिबल होना चाहिए, अगर कॉमन है तो कॉमन लेके करना पड़ेगा वरना गलत हो जाएगा आपका सर। और अगर कॉमन नहीं है तो कोई बात नहीं, एज इट इज रहेगा, क्वेश्चन से आपको आ जाएगा, जितना क्वेश्चन करेंगे आपकी प्रैक्टिस बढ़ जाएगी। यहाँ पर कॉमन निकल गया इसलिए कॉमन ले लिया, बहुत सारे क्वेश्चन में कॉमन आएगा ही नहीं, नहीं आएगा तो हम नहीं करेंगे, एज इट इज मल्टीप्लाई करेंगे। चलिए बताइए क्या ये आप लोगों ने लिख लिया? बैलेंसिंग के लिए कोई बुक नहीं बनाना है, एनसीईआरटी में बहुत क्वेश्चन है, आप उसी को बना लीजिए, कोई ज्यादा नहीं है। उसी बार दूसरी बार कंसेप्ट मैं क्लियर कर दूंगा, घबराइए नहीं, आप कोई भी क्वेश्चन कर लेंगे। आगे बढ़े ये कॉम्पिटिशन में इतना कोई काम नहीं देगा, ये करो वो करो फलाना करो ये सब कुछ ना आएगा। मैं शॉर्टकट अभी बता देता हूँ, एक मिनट में आ जाएगा। तो ये हुआ ऑक्सीडेशन नंबर मेथड, स्कूल के एग्जाम में पूरा स्टेप लिख लिख के करना होगा, समझा? अब आइए मैं शॉर्ट ट्रिक्स बता देता हूं। चलिए यहाँ सुनिए सारे लोग, क्या आप लोगों ने ये लिख लिया पूरा, हाँ या ना? Yes, sir. अब सुनो मैट्री या सब लोग इधर देखिए स्क्रीन को, शॉर्टकट में करना हो तो आप n फैक्टर निकाल लीजिए, n फैक्टर का मतलब चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर इनटू नंबर ऑफ एटम, तो प्लस 6 है से 3, 6 से 3 3, 3 इनटू नंबर ऑफ एटम 2 6, यहां n फैक्टर निकाल लीजिए प्लस 4 से प्लस 6 तो कितना हो गया 2, अब कॉमन फैक्टर यही निकाल लीजिए 3, यहां n फैक्टर 1। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? बोलिए हां या ना। यस सर। मैट्री यश सब क्या कहते हैं हर्षित सबको यहाँ तक आ गया? यस सर। अब इसकी टोपी उसके सर कर दीजिए, इसको 1 से इसको 3 से कर दिया, बोलिए हां या ना। अब इधर देखकर इधर बैलेंस कीजिए, हाइड्रोजन ऑक्सीजन को नहीं देखना है, 2 क्रोमियम 2, 3 सल्फर 3, अब ऑक्सीजन को बैलेंस कर लीजिए 7 और 9, 16 ऑक्सीजन इधर 12, तो 4 वाटर कर लीजिए और हाइड्रोजन एसिडिक मीडियम है H प्लस इधर, बस हो गया 2 मिनट, 1 मिनट भी नहीं लगेगा आपको, स्कूल आपको यही आएगा। और वहां कॉम्पिटिशन में क्या दे देता है, यहाँ पर लिख देगा X, यहाँ लिख देगा Y, यहाँ लिख देगा Z, कहेगा व्हाट इज द X Y Z, चार ऑप्शन दे देगा, बताओ ये समझ में आया हाँ या ना? यस सर। हर्षित मानस यश मैट्री सबको समझ में आया? यस सर आया। आया सर। सर इसमें बस आपने चार्ट नहीं निकाला है ना? हम क्यों निकालेंगे, हमको सब कुछ बैलेंस है, तुम चेक कर लो बैलेंस, देखो वही तो आंसर आ रहा है ना, देखो ना ऊपर कुछ भी कर ले, यही शॉर्टकट है, 1 मिनट भी नहीं लगेगा आपको और कॉम्पिटिशन में यही काम देगा, उसके आपके पास इतना टाइम नहीं कि आप लिख लिख कर हर स्टेप वाइज करेंगे। सर बोलिए। सर ये लास्ट वाला आपने जब 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2 ऐड किया ना सर, वहां से एक बार रिपीट कर सकते हैं? क्यों नहीं करेंगे, यहां देखिए दोबारा समझा देता हूं, घबराइए नहीं, मैं दोबारा सब कुछ दोबारा समझाता हूं, रुकिए आप।
अब शॉर्टकट को दोबारा समझिए आप, ऐसे तो अभी बहुत क्वेश्चन करेंगे, दोबारा समझिए। Cr2O7 है, SO3 2- है, इसमें कोई चार जोड़ कुछ भी नहीं देखना है, जिस तरह बताया जा रहा है उसी को देखिए। कोई क्या चार बैलेंस है, हाँ बैलेंस है, कोई क्या चैलेंज करो कह के तुम देख लो जाके अपने से कि मेरे पास इतना टाइम नहीं है चार्ज बैलेंस करने, हम ऐसे ही करेंगे। यहाँ देखें तो यहाँ +6 हो गया साइंटिस्ट, यहाँ +3 एन फैक्टर चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर 6, यहाँ +4 +6 बताइए एन फैक्टर 2। जब दो एन फैक्टर में कॉमन रहे तो आप कॉमन निकाल के ही मल्टीप्लाइड करेंगे, बताइए। फिर से मैं सबसे पूछ रहा हूँ, क्या यहाँ तक डाउट है आपको? नहीं सर। बस यहाँ इसकी टोपी उसके सर, इसकी टोपी उसके सर, 1 हो गया, इधर 3 हो गया। अब इधर देखकर इधर बैलेंस करो, पहले हाइड्रोजन ऑक्सीजन को नहीं देखना है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन के अलावा 2 क्रोमियम 2 क्रोमियम 3 सल्फर 3 सल्फर। जब अदर देन हाइड्रोजन ऑक्सीजन बैलेंस हो जाए तब अब हाइड्रोजन ऑक्सीजन को देखेंगे। इधर जो है 7 ऑक्सीजन और 9, कितने ऑक्सीजन हो गए? 16। यस सर। और इधर हो गए 12 ऑक्सीजन, आया ना? यस सर। तो कितने ऑक्सीजन का डिफरेंस है? 4। यस सर 4। तो आप ऑक्सीजन किधर ऐड करेंगे? जिधर कम है उधर ही तो ऐड करेंगे। हाँ हाँ सर। तो ऑक्सीजन को बैलेंस करने का तरीका है कि आप वाटर ऐड करें, तो 4 ऑक्सीजन 4 वाटर। ओके यस सर, आ गया। जैसे ही इधर किया तो हाइड्रोजन हो गया, तो यहाँ H+ कर। अब देखिए बैलेंस है, चार्ज उस कुछ देखना ही नहीं है, ऑलरेडी बैलेंस है, चार्ज उस देखना है। ओके यस सर। अब आ गया अच्छे से? यस सर आ गया। अब सुनिए, चलिए अब दूसरा बेसिक मीडिया वाला करते हैं, आगे बढ़े। सब लोगों ने लिख लिया इसको? लिख लिया सर। आपको अभी अभी लगे, हाँ क्वेश्चन नंबर 2 जल्दी लिखिए। अभी आपके स्कूल वाला मेटाडी का ना, हाँ लैंग्वेज आप मत लिखिए, लैंग्वेज लिख लिया है बस, आप लैंग्वेज आप मत लिखिए, एक दफा लैंग्वेज लिख दिया दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है, समझा? चलिए आप पहला काम असाइन द ऑक्सीडेशन नंबर। अब लॉन्ग मेथड में अगर डाउट है तो दोबारा मैं बता रहा हूँ, असाइन द ऑक्सीडेशन नंबर आपका काम है, सबका ऑक्सीडेशन नंबर निकालिए सब लोग। चलिए मैं जो कर रहा हूं सबका सही आया होगा शायद। इसमें गलती होगी तो मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता भाई, पढ़ा चुका हूं। अच्छा ये बेसिक मीडियम में है, कुछ बोल ही नहीं रहे हो तुम लोग। ये पहला सबका सही है? यस सर। यस सर। अब स्टेप सेकंड में है स्कूल के लिहाज से, चेंज इंक्रीज एंड डिक्रीज, उसका ट्रिक्स आपको क्या मैंने बताया था सुनिए दोबारा, स्कूल में ऐसे लिखिएगा, इधर मैं लिख देता हूं। पहला यहां +7 है, यहां +4 है, तो डिक्रीज हो रहा है ना, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर पर एटम, स्कूल में लिखना है। तो बताओ सारे लोग कितना हो रहा है, बताओ 7 से 4 कितना चेंज? 3। नंबर ऑफ एटम कितना? 3। 3 × 1 3। सबको समझ में आया? यस सर आया। अच्छा आया, आप देखिए यहाँ -1 और यहाँ +5, तो इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर
पर एटम, सारे लोग बताइए माइनस वन से फाइव कितना चेंज? सिक्स. बताइए यहाँ पर भी कॉमन आ रहा है कि नहीं? हाँ या ना? यस सर. यस सर आ रहा है. बस इसकी टोपी उसके सर. तो यहाँ आ गया डिग्रीज वन, अच्छे से लिख लीजिएगा वन, और यहाँ आया टू. अब आपको इसकी टोपी उसके सर, इधर टू से इधर वन से. अब इसको इधर देखकर बैलेंस कीजिए. दो मैग्नीज, दो मैग्नीज, एक बी आर, एक बी आर, ऑलरेडी बैलेंस. सिकंड स्टेप सबको समझ में आया दोबारा? यस सर. हर्षित, यश पूछिए अच्छे से. समझ में आया सबको? सर यहाँ पे ऑक्सीजन का बैलेंस होना जरूरी नहीं है? तुम हर्षित, तुम लगता है तुम कुछ भी नहीं समझ पा रहे हो. यहाँ देखो, यहाँ देखो, यहाँ देखो स्टेप. क्या यहाँ पर लिखा गया ऑक्सीजन को बैलेंस करना है? बोलो. नो सर. स्टेप तो फिर क्यों कंफ्यूज हो तुम? यहाँ थर्ड में हम अभी भी कुछ ऑक्सीजन को नहीं देखना, जैसे स्टेप वाइज कहा जा रहा है उसी तरह. क्या मैंने अभी बताया था हाइड्रोजन ऑक्सीजन किसी को नहीं देखना है, उसके अलावा अदर एटम को. और इंग्लिश का वर्ड भी है राइट द इंक्रीज, सिंपल लिखा हुआ है. कैलकुलेट द इंक्रीज डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, मेक देम इक्वल, उसको बराबर करना है, बाकी को देखना ही नहीं है, ऑक्सीजन हाइड्रोजन सबको. ओके ओके सर. अब आइए स्टेप थर्ड, तुम खुद बोलो हर्षित क्या करना है. स्टेप थर्ड बोलो तुम अपने से. सर चार्ज बैलेंस करना है. बताओ बेसिक मीडियम है कि एसिडिक मीडियम है? बेसिक मीडियम है. तो कौन क्या ऐड करोगे? OH negative. बस तो जो स्कूल में जो स्टेप बोल रहा है उसी तरह करो. अब सुनो, लिखकर मैं कर रहा हूं. बताओ हर्षित ही बोलेंगे. हर्षित बताओ रिएक्टेंट साइड कितने चार्ज हैं? माइनस थ्री. माइनस थ्री, वेरी गुड. प्रोडक्ट साइड चार्ज बोलो. माइनस वन. माइनस वन, क्या इधर चार्ज जीरो. अब माइनस थ्री को माइनस वन या माइनस वन को माइनस थ्री के बराबर करना है OH माइनस. तो खुद सोचो, इधर दो OH माइनस करोगे तभी तो माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री हो जाएगा. हाँ सर. बस कुछ आप उसके बाद ये नहीं पूछो सर और कुछ करना है, नहीं, जो कहा जा रहा भाई चार्ज बैलेंस से OH को ऐड करेंगे. अब ऑक्सीजन बैलेंस रहे ना रहे वो अब नेक्स्ट स्टेप में आएगा. स्कूल में स्टेप वाइज ही तो किया जाता है. ओके यस सर. बताओ सबको समझ में आ गया यहाँ तक? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. हाँ, अब अगेन हर्षित ही बोलेंगे. स्टेप फोर्थ में क्या करना है? सर वाटर ऐड करना है. क्यों क्यों ऐड कर रहे हैं वाटर? सर ताकि ये जो हमने ऑक्सीजन से OH नेगेटिव जोड़ा है वो बैलेंस हो जाए. नहीं नहीं, आप फिर से पढ़ो क्या मैंने लिखवाया. पढ़ो आप अच्छे से बोले, एकदम NDTV की तरह बोले. रविश कुमार, हाँ क्या लिखा हुआ बताइए. Sir, to balance the H2 or O2 by addition of H2. To balance the hydrogen or oxygen, लिखा हुआ है ना? Yes, sir. हाँ, अब देखिए कैसे करना है, सुनिए अच्छे से. बताइए इधर कितने ऑक्सीजन है रिएक्टेंट साइड? 8. ओके? Yes, sir. और प्रोडक्ट साइड ऑक्सीजन को लिए कितने हैं? 2 2s are 4. 4 3 7 9 9 है, हाँ या ना? Yes sir. Yes sir. कितने ऑक्सीजन की कमी है? सर एक. किधर ऐड करेंगे? रिएक्टेंट की प्रोडक्ट में. सर रिएक्टेंट. बस H2O और ऐड करो, ऑलरेडी H बैलेंस है. दिस इज आसान. यस सर. अरे बोलिए. हाँ सर. अब सुनिए इधर, इसी को शॉर्ट तरीके से कैसे करते एक लाइन में. इधर सुनो प्लीज, एक मिनट का टाइम दो प्लीज. इधर देखो प्लीज सारे लोग. बी आर माइनस क्या है? MnO2 है. और सुनो अच्छे से, ये क्वेश्चन रहता तो n फैक्टर निकालो. प्लस 7 प्लस 4 n फैक्टर 3, यहां माइनस 1 प्लस 5 n फैक्टर 6, कॉमन यहां निकाल लो n फैक्टर 1. सारे लोग स्क्रीन को देख रहे हो, हाँ या ना? जल्दी बोलो. यस सर.
इसकी टोपी उसके सर, दो से मल्टीप्लाइड, अब इधर देखकर बैलेंस करो, दो मैग्नीज बीआर बीआर बराबर हो गया खत्म। अब ऑक्सीजन को देख लो, एट ऑक्सीजन और इधर कितने ऑक्सीजन है जल्दी बोलो, सेवन सेवन है ना। सुनो हड़बड़ाना मत, सुनो अच्छे से एकदम, दो मिनट टाइम दो अच्छे से। सेवन है, एट है, यहाँ सेवन है, एक वाटर और एक वाटर की तो इधर दो एच प्लस। तुम चिल्लाओगे सर बेसिक है, घबराओ मत, कॉम्पिटिशन में हम एक चीज मान के ही बैलेंस करेंगे, हमेशा एसिडिक में करो। अब क्वेश्चन में तुम देखो कि बेसिक में करना है फिर भी एसिडिक में करो। अब चूंकि बेसिक है तो तुम क्या करो, दो एच माइनस इधर ऐड कर दो, दो एच माइनस इधर करो, क्या अफेक्ट पड़ेगा कुछ भी? नो सर, नहीं सर। हाँ तो ये ट्रिक्स याद रखो, अब ये दो मिलकर क्या हो जाएगा, दो वाटर, तो बस एक वाटर इधर घटा लो तो नेट आंसर आ जाएगा। दिस इज स्टाइल बैलेंसिंग, हमेशा एक दो वाटर इधर आ गया, एक वाटर बचा, समझा? अब बताओ आंसर मिल रहा है कि नहीं, हाँ या ना, जल्दी बोलो। मिल रहा है, एक मिनट का काम है। तो कंपटीशन में हमेशा तुम एसिडिक मीडियम में बैलेंस करो। अब क्वेश्चन में देख लो, अगर एसिडिक है तो कोई चेंजिंग नहीं लाओ, बेसिक है तो जितना एच प्लस आया है उतना ओ एच माइनस दोनों साइड ऐड कर दो। ओके yes, sir. कोई बोल ही नहीं रहा है, मैट्री मानस yes, sir. Yes, sir. आ रहा है, ये शॉर्टकट भी आ रहा है ना समझ में? yes, sir, हाँ गुड। चलिए ये स्लाइड लिखिए जल्दी से, ये तो लिख ही लिया होगा, ये वाला देखिए, ये वाला लिखिए, लिख लिया। बोलिए स्टूडेंट, लिख रहे हैं ना आप लोग, समझ में आ रहा है? सच सच बोलिए, कोई डाउट है तो कुछ। हाँ दोनों मेथड में, लॉन्ग मेथड में एकदम जो लाइन लिख, जब भी डाउट रहे, इसलिए तो मैंने लिख लिख कर समझाया आपको, आप उसी के मुताबिक बैलेंस करें। शॉर्टकट में तो एक ही लाइन में सब कुछ बैलेंस करना है, शॉर्टकट में लैंग्वेज लिखना नहीं है। बताइए ये स्लाइड लिख लिया? यस सर। तो चलिए कल हम लोग, सुनिए अच्छे से, कल 40 मिनट्स में मैं ये चैप्टर खत्म कर दूंगा, क्योंकि देखिए आपको वही टॉपिक अभी पढ़ाया जाएगा जल्दी जल्दी, क्योंकि सिलेबस खत्म करना है जो आपको काम आए, ठीक है? बोलिए। yes, कह रहा हूँ हाँ, उसके बाद मैं कल ऑर्गेनिक शुरू करूंगा, रेजोनेंस पढ़ाऊंगा मैं, ठीक है? पहले ऑर्गेनिक ही तो शुरू करूं, बोलो सैटरडे संडे वाले में। yes, sir. हाँ, और हमारा ख्याल ये है कि मैं ऑर्गेनिक में नोमेनक्लेचर अभी शुरू नहीं करूंगा, जीओसी नोमेनक्लेचर बच्चे बना ही लेते हैं, वो हम बताएंगे आपको, क्योंकि नोमेनक्लेचर में बहुत टाइम लग जाएगा, उससे अच्छा हम जीओसी पढ़ लेंगे, आइसोमेरिज्म हाइड्रोकार्बन, यही तीन पढ़ाना है आपको, वो हो जाएगा। नोमेनक्लेचर तो बाद में भी पढ़ लेंगे, उसमें कोई ज्यादा कंसेप्ट नहीं है, विदाउट नोमेनक्लेचर भी ऑर्गेनिक समझा जा सकता है, समझ रहे हैं ना आप? जो मुझे लगेगा कि वो टॉपिक मैं पढ़ा दूं जिससे कि आपको ज्यादा परेशानी ना हो, तो वो कुछ टॉपिक ऐसे भी हैं जो आप अपने से भी कर सकते हैं, क्योंकि टाइम की कमी है, आपका एग्जाम पहले हो रहा है इसी वजह से, वरना होता तो फिर बाद में पढ़ ही लीजिएगा जब टाइम बचेगा तो इसीलिए मैं नोमेनक्लेचर जीओसी शुरू करूंगा, कल ही मैं रेजोनेंस शुरू कर दूंगा। ओके चलिए बाय बाय, थैंक यू वेरी मच, आप लोग आए, एक्स्ट्रा क्लास लिया, ऐसे ही आते रहिए, पढ़ते रहिए। ओके बाय। Thank you.